रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म शमशेरा का प्रमोशन कर रहे हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान रणबीर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई सीक्रेट्स भी शेयर कर रहे हैं। रणबीर ने बताया कि वो अपने परिवार के पहले सदस्य थे जिसने 10वीं की परीक्षा पास की थी। यही नहीं, रणबीर ने इस दौरान अपने मार्क्स के बारे में भी बताया। एक्टर के मुताबिक जिस दिन रिजल्ट आया था उनके घर वालों ने उनके लिए एक बड़ी पार्टी रखी थी। रणबीर ने बताया कि उनके 10वीं में 53.4% मार्क्स आए थे। रणबीर ने ये भी बताया कि जिस दिन उनका रिजल्ट आया उनका परिवार बहुत खुश था। उन्होंने उनके लिए एक बड़ी पार्टी रखी थी। उन्हें रणबीर से कोई भी उम्मीद नहीं थी। वो अपने परिवार में पहले लड़के थे जिसने 8वीं की परीक्षा पास की थी। एक्टर ने ये भी बताया कि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थे। 2017 में भी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि उनके पिता 8वीं में, चाचा 9वीं में और दादा 6ठी क्लास में फेल हो गए थे। असल में रणबीर परिवार के सबसे शिक्षित सदस्य हैं। आपको बता दें कि रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा 22 जुलाई को रिलीज होने वाली है। फिल्म में रणबीर के अलावा वाणी कपूर और संजय दत्त लीड रोल्स में होंगे।